चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी। 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक केसरगंज सीट को लेकर कोई भी फैसला नजर नहीं आया। क्या केसरगंज सीट से हालिया सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी भाजपा, या फिर इस बार उनका टिकट कटना तय है? क्योंकि एक बार फिर से ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के हाल ही फिलहाल में कुछ आरोप लगाए गए, उनको लेकर कोर्ट में भी कुछ केसेस जारी हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने WFI यानी जो अध्यक्ष पद था उससे अपने कदम वापस पीछे तो नहीं लिया था, उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ था, लेकिन उन्होंने कुश्ती से संन्यास की बात कर दी थी। क्या ठीक वैसे ही राजनीति से भी संन्यास का ऐलान वो करते नजर आएंगे? मोदी शाह का एक फैसला ब्रजभूषण के सभी अरमानों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा वाली बात करने वाले सांसद ब्रजभूषण का शुरुआती लिस्ट में नाम न आना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऊपर से इस सीट से अवध ओझा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं, उनको उतारे जाने की चर्चा और माहौल को गर्मा दी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितने फेज में चुनाव होगा, कब कब किस सीट पर चुनाव होगा, इन बातों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई। लेकिन अब तक ब्रजभूषण जो पिछले कुछ काफी लंबे समय से बीजेपी के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, लाखों वोटों से जिस भी सीट से लड़े हों, जिस भी सीट से या जिस भी परिवार के सदस्य को उन्होंने लड़ाया हो, क्योंकि एक बार अपनी पत्नी को लड़ाया था, और चाहे सपा से ही क्यों ना चुनाव लड़ा हो, उनको जीत मिली है। तो ये बातों को भूल कर क्या भाजपा इस सीट पर माहौल बना रही है? क्योंकि सबको पता है कि अगर नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो विपक्ष को एक मौका मिलेगा बोलने का, महिला पहलवानों के मुद्दे को विपक्ष जरूर उठाएगा। जबकि ब्रजभूषण का साफ कहना है कि अगर मैं इतना बड़ा दोषी होता और मुझ पर आरोप होता तो मैं जेल की सलाखों के पीछे होता, और यहां तक कि उन्होंने ये खुद कह दिया था कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो जो सजा मिलती है वो तैयार है, चाहे फांसी की सजा क्यों ना हो। और ब्रजभूषण अगर देखें तो लाजमी बात है कि उन पर जो केसेस थे वो अभी तक कार्यवाही में चल रहे हैं भले ही, लेकिन उनको गुनहगार नहीं साबित किया गया। तो टिकट किस वजह से काटी जाएगी? क्या सिर्फ आरोप लगने की वजह से ही काटी जाएगी? आरोप सिद्ध होना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। अब ब्रजभूषण की सीट पर केसरगंज पर अभी तक विपक्ष ने भी कोई बड़ी चाल नहीं चली है, लेकिन फिलहाल भाजपा से उम्मीद थी कि इस सीट पर कोई बड़े नाम का अनाउंसमेंट करती या ब्रजभूषण के चेहरे को ही रिपीट करती या ब्रजभूषण के ही परिवार के किसी सदस्य को, उनके बेटे को या उनकी पत्नी को आगे किया जाता। तारीखों के ऐलान के बाद भी यह माहौल काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।